नमस्कार, एस एम जेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। जानेंगे हाल देश विदेश का, डालते हैं एक नजर मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब के स्टेनोग्राफर के पद पर वैकेंसी, ग्रेजुएट होल्डर्स 25 सितंबर तक करें आवेदन, 27 सितंबर तक जमा करनी होगी फीस। टीचर्स डे पर देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान, किसी ने शराबियों से लड़कर बच्चों को पढ़ाया तो किसी ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, कांग्रेस ने कहा ये संघीय ढांचे पर हमला। राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है। इसरो ने आदित्य L1 की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर। 10 सितंबर को तीसरी बार ऑर्बिट बदली जाएगी। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे, हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक भिड़े, रणदीप के सपोर्टर बोले बाप बेटे की नहीं चलेगी। भारत में 1901 के बाद अगस्त सबसे गर्म रहा, दिल्ली में 4 सितंबर को टूटा 85 सालों का रिकॉर्ड, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान, सूर्य कुमार को मौका, सैमसन और तिलक हुए बाहर। पुतिन से मिलने रूस जाएंगे किम जोंग उन, एंटी टैंक मिसाइल के बदले अनाज देने की मांग, बुलेट प्रूफ ट्रेन से सफर करेंगे। पाकिस्तान में $25 अरब इन्वेस्ट करेगा सऊदी, केयर टेकर PM काकड़ बोले मुल्क के हालात जल्द सुधरेंगे, सरकारी कंपनियां बेचेंगे। कनाडा में खालिस्तानियों को झटका, स्कूल में 10 सितंबर को जनमत संग्रह की परमिशन रद्द, आतंकियों की फोटो लगा प्रचार किया था। ये थी तक की खास 10 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।